बीकानेर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। बीकानेर का अतीत बेहद शाही और समृद्ध था। बीकानेर में कई ऐतिहासिक इमारतें स्थित हैं जो बेहद शानदार हैं। इनमें से कई इमारतें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल हैं। आज मैं आपको बीकानेर की ऐसे ही कुछ इमारतों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप बीकानेर घूमने जा रहे हैं तो इन स्थानों पर जाना न भूलें। नंबर वन, जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण सन 1594 में राजा राय सिंह ने करवाया था। किले की संरचना में मंदिर और महल हैं। खूबसूरती से बनाई गई गैलरी, लॉन और खिड़कियां पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। करण महल, अनूप महल, चंद्र महल और फूल महल यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षण हैं। जूनागढ़ फोर्ट को विशेष रूप से बीकानेर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। नंबर टू, गजनेर पैलेस। गजनेर पैलेस एक झील के किनारे स्थित बीकानेर के लोकप्रिय दर्शनीय स्थल में से एक है। किले का निर्माण बीकानेर प्रांत के पूर्व शासक महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। गजनेर पैलेस पुराने समय में शिकार और छुट्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान था। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित यह महल शिल्प कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। नंबर थ्री, लालगढ़ पैलेस। इस भव्य महल का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं सदी में करवाया था। महल अब एक होटल में तब्दील हो गया है और इस प्रकार यह आपकी छुट्टी बिताने के लिए एक अच्छा स्थान हो सकता है। आंतरिक सज्जा के साथ मिश्रित राजपूताना डिजाइन यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। महल में एक संग्रहालय भी शामिल है जो गंगा निवास के अंदर स्थित है। यहाँ बीकानेर कला से जुड़े लघु चित्रों को देखा जा सकता है। नंबर फोर, रामपुरिया हवेली। बीकानेर के धनी व्यापारियों ने कुछ 100 वर्षों की अवधि में रामपुरिया हवेलियों का निर्माण किया था। बीकानेर की हवेलियाँ सिर्फ एक दृश्य आनंद नहीं है बल्कि ये सौंदर्य शास्त्र की नाजुक दूरदर्शिता का एक आदर्श उदाहरण है जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। रामपुरिया हवेली बीकानेर आने वाले पर्यटकों के बीच खासा लोकप्रिय है। नंबर फाइव, लक्ष्मी निवास पैलेस। लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर में घूमने के लिए सबसे भव्य और शानदार स्थानों में से एक है। लक्ष्मी निवास पैलेस बीकानेर के राजा महाराज गंगा सिंह जी का पूर्व निवास था। इस पैलेस को ब्रिटिश वास्तुकार सैमुअल फिंटन जैकब ने 1898 और 1902 के बीच बनवाया था। अब यह महल एक आलीशान होटल में बदल दिया गया है जहां आप राजा महाराजाओं की तरह शानो शौकत और राजसी ठाट बाट का आनंद ले सकते हैं। नंबर सिक्स, करणी माता मंदिर। ये मंदिर बीकानेर में घूमने के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यह चूहों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। यहाँ आप लगभग हजारों की संख्या में चूहों को एक साथ देख सकते हैं। यह मंदिर करणी माता को समर्पित है जो देवी दुर्गा का अवतार थी। मंदिर को पत्थरों और संगमरमर से तराशा गया है जिसमें महाराजा गंगा सिंह द्वारा निर्मित चांदी के द्वार और पक्षियों से चूहों की रक्षा करने वाली एक लटकी हुई जाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपनी सहमति जताने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।